हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइसोटॉक क्लासेस। आज वैलेंटाइन स्पेशल ट्रिक मैं आपको देने जा रहा हूँ। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आज मैं आपको इस वैलेंटाइन के असर पर बहुत ही बेहतरीन ट्रिक देने वाला हूँ, जिससे आपको थोड़ी दिन तक सुरक्षित रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, मैं आज आपको बताने वाला हूँ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को याद करने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, ठीक है। आइए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। मैं क्या बताने वाला हूँ, देखिए इधर आपके सामने लिखा हुआ है कुछ वर्ड्स, आइए मैं आपको बताता हूँ क्या है। हालांकि मैं ऐसे ही ट्रिक आपको शॉर्ट में बताने की हर बार देखो कोशिश करता हूँ। पहले मैंने पोलीफेरा बता रखा है, इस तरह के मैंने पाइनस बता रखा है। आज वैलेंटाइन डे पर मैं आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। सुनिए, देखिए आपने सुना होगा 3G नेटवर्क, आजकल 4G चल रहा है बहुत, लेकिन पहले हम 3G यूज किया करते थे ना, 3G। HTC का सेल फोन तो आपने यूज ही किया होगा, कुछ लोग यूज करते भी होंगे, है ना। HTC का मोबाइल आता है ना, HTC सेल फोन, ठीक है। देखिए 3G है HTC, इसके पास पुराना होगा वो 3G होगा, 3G HTC सेल फोन है। तो इसी को मैंने अपनी ट्रिक में STD को याद करने के लिए आपकी बहुत बेहतरीन ट्रिक बनाई है। देखिए 3G क्या रिप्रेजेंट करता है, 3G को रिप्रेजेंट करता है, इसे लिखा हुआ है 3G। पहला जी बताता है, एक जी कहता है गोनोरिया को, दूसरा जेनाइटल हर्ब, तीसरा जी बताता है जेनाइटल वॉर्ट, ठीक है। एच जो है यहां बताता है दो चीजों को, पहला हेपेटाइटिस बी को, दूसरा HIV/AIDS को, ठीक है। सावधान रहिएगा, वैलेंटाइन डे है। देखिए टी बताता है ट्राइकोमोनियसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइकोमोनियसिस। सी क्लेमाइडियसिस, सी रिप्रेजेंट क्लेमाइडियसिस। एस सिफेलिस, ठीक है। 2018 के लिए गोनोरिया एंड सिफेलिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके बारे में NCERT में कुछ भी इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है, इसलिए आपको याद रखना होगा इनके वेक्टर कौन है, ये कॉजिंग एजेंट कौन है, ठीक है, और इसके सिम्टम्स कैसे कैसे देखने को मिलते हैं, इस पर सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में NCERT में नाम दिया है, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बीमारियां हैं जो STD डिजीज हैं, जो आपको याद रखने हैं, क्या क्या, गोनोरिया, जेनाइटल हार्प, जेनाइटल वॉर्ट, हेपेटाइटिस बी, HIV/AIDS, ट्राइकोमोनियासिस, क्लेमाइडियासिस और सिफेलिस। इतना ही आपको याद रखना है, इसे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। दीज आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, रिमेंबर इट, ठीक है, एंड सेफ फ्रॉम दीज डिजीजेस। बिकॉज क्यों सेफ रहना है, क्योंकि ये बीमारियां बहुत ही खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, और इनमें से तो कुछ तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आइए बताता हूं कैसे खतरनाक है। देखिए देखिए आपके सामने मैंने कुछ लिखा, देखिए ये तीन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो H और H से होती हैं। ये बीमारियां ऐसी हैं जिन पे एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती, अगर ये बीमारियां हो गई तो आप ठीक भी नहीं होंगे। तो नॉट ट्रीटेड बाई एंटीबायोटिक, ये बीमारियां जो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होंगी। ये तीनों एच बताते क्या है, देखिए जेनाइटल हर्प का मैंने हर्प ले लिया, हर्पीस, हेपेटाइटिस बी और HIV, ये ऐसी बीमारियां हैं जिन पर एंटीबायोटिक काम नहीं करती, मगर अगर आपको ये हो गई तो हो गई, फिर तो इसको ठीक करना, अगर देर में इनिशियल स्टेज में अगर जानकारी हो जाती है तो देर इज अ लिटिल बिट चांस, बट अगर देर हो गई तो फिर इसका कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस वैलेंटाइन के शुभ अवसर में मैंने आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको याद करने की, जो स्टडी डिजीज याद करने की ट्रिक बताई है। आशा करता हूं आपको मेरी ये ट्रिक काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, ऊपर से इस शुभ अवसर में बताइए तो आपको और अच्छी लगेगी, और याद करना भी बहुत आसान है ना। इसलिए प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए इस चैनल के बारे में और ये बेहतरीन ट्रिक्स के बारे में। आगे भी मैं और भी बेहतरीन ट्रिक आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज शेयर इट, कमेंट एंड tell what you are feeling. Thank you.
Thank you.